Hello everyone, today I am here to tell you a new story with new moral. So, एक बार की बात होती है, डैनियल नाम का व्यक्ति होता है। डैनियल जो होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रेयर लाइफ वाला होता है, बहुत ज़्यादा प्रेयर करता है। तीन टाइम हमेशा वो प्रेयर को देता है। उसके जो होते हैं, और भी तीन मित्र होते हैं, वो भी डैनियल के ही तरह होते हैं। डैनियल को एक बार राजा अपने राज्य में लेकर जाता है। जब राजा अपने राज्य में डैनियल को लेकर जाता और उसके तीन मित्रों को भी लेकर जाता है, तो राजा कहता है कि इन पुरुषों को अच्छे से अच्छा खाने को दिया जाए। लेकिन डैनियल जो होता है, वो हमेशा गरीबी में पला होता है। वो कहता है, मुझे जो है साधारण सा ही भोजन देना, और वो साधारण ही भोजन को करता है। डैनियल कभी भी ये अपने अंदर नहीं रखता है कि मुझे अच्छा खाने को मिले, हमेशा वो ये सोचता है मुझे हमेशा ये साधारण भोजन मिले, क्या हो खुश हूँ। तो राजा जो होता है, सबको बुलाता है, कहता है कि मेरा जो अच्छा उससे अच्छा भोजन था, उनको खा कर मैं देखूँ कि ये सारे के सारे जो पुरुष हैं, ये कैसे दिख रहे हैं। लेकिन जो डैनियल जो था, उसने तो साधारण सा भोजन लिया और केवल तीन टाइम प्रेयर को दिया। तो डैनियल को भी जब वो राजा देखता है कि कितने खूबसूरत उसके दोस्त और डैनियल दिखते हैं, जब डैनियल को देखता है राजा, तो राजा कहता है कि डैनियल, तुम मेरे राज्य में सबसे अच्छे पद में तुम रहोगे और तुम्हारे मित्र भी रहेंगे। तो डैनियल ये सुनकर हमेशा गॉड को प्रेज देता है, कहता है कि गॉड थैंक यू, क्योंकि डैनियल की हमेशा से यही आदत होती है, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे वो बड़ी चीज हो, वो हमेशा किसी इंसान को नहीं, वो गॉड को हमेशा थैंक यू कहता है। तो जब राजा उसको अच्छे पद में डैनियल को रख देता है, तो डैनियल जो होता है बहुत ईमानदारी से अपने काम को करता है और गॉड को भी वही टाइम देता है। डैनियल बदलता नहीं है, डैनियल जैसा पहले होता है वैसे ही वो बाद में भी रहता है। तो जब राजा उसके काम को देखता, राजा बहुत ज्यादा उससे खुश हो जाता उसके काम को देखकर। उसके दो मित्र भी उसी की तरह ही काम करते हैं, लेकिन जो और जो लोग होते हैं, वो डैनियल को देखकर काफी चिढ़ जाते हैं कि डैनियल के काम को देखकर राजा खुश है और राजा ने इसको इतने अच्छे पद में रख दिया। और लोग सोचते हैं कि हम डैनियल को कैसे पकड़े कि राजा जो है इसको इस पद से हटा दे। वो बहुत ज्यादा कोशिशें करते हैं डैनियल के अंदर कमियों को निकालने की, लेकिन वो नहीं निकाल पाते। और वो केवल एक चीज देखते हैं कि ये डैनियल जो है, वो हर चीज को छोड़कर गॉड को हमेशा टाइम देता है और गॉड को हमेशा राजा से भी बढ़कर प्यार करता है। वो केवल और केवल ये उसके अंदर कमी को पाते हैं और राजा के पास जल्दी से जाते हैं तीनों के तीन मित्र और जो अन्य लोग होते हैं, वो राजा के पास जाते हैं, कहते हैं कि राजा, डैनियल के अंदर जो है हमने एक कमी पाई है। राजा कहता है, क्या कमी पाई है तुमने? तो वो देखता है, जब राजा उस चीज को देखता है, वो कहता है कि ठीक है, मैं एक ऐलान करता हूँ कि जो कोई भी मुझे छोड़ कोई भी चीज को ज्यादा प्यार करेगा, तो मैं उसको एक सजा दूंगा। तो ये सारे राज्य में ये बात फैल जाती है और जो डैनियल से चिढ़ने वाले लोग होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि डैनियल जो है अब तो इस पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन डैनियल तब भी गॉड को बहुत ज्यादा प्यार करता है। डैनियल अपने काम से बढ़कर गॉड को हमेशा प्रेयर को और गॉड को हमेशा प्यार करता है। तो राजा की जब ये बातें सुनते हैं और तो जो डैनियल से चिढ़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन डैनियल जो होता है, वो हमेशा गॉड के सामने कहता है, गॉड आप ही ने जो है मुझे इस जगह पे रखा है और आज जो है मैं आप ही के उससे इस जगह में हूँ। लेकिन जब डैनियल की परीक्षा का टाइम
कंप्लीट हो जाता है तो लोग कहते हैं कि देख राजा, सबने तुझे इतने टाइम तक प्यार किया, प्यार दिखाया, लेकिन दानियल फिर भी वही काम करता रहा और फिर भी गॉड को प्रेस देता रहा। तो जो राजा ने पनिशमेंट सोची होती है उसमें दानियल को डाल दिया जाता है। जो पनिशमेंट होती है वो होती है कि भूखे शेरों के मुंह में दानियल को डाल दिया जाता है। दानियल वहां पर भी प्रेयर करना नहीं छोड़ता है, दानियल वहां पर भी बहुत अच्छे से प्रेयर करता है। जब दानियल को वहाँ पनिशमेंट में डाला जाता है, राजा बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, क्योंकि राजा जो होता है वो दानियल से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो जब दानियल को देखता है कि वो इस सजा में है तो राजा रात भर खाता नहीं और बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है। जब दानियल उस जगह में गया होता है, केवल एक इंसान होने के नाते उसके अंदर डर आता है, लेकिन वो प्रेयर वहाँ पर भी करता है। और जब वो प्रेयर कर रहा होता है तो वहाँ पर सडनली जो भूखे शेर होते हैं वो दानियल के पैर को एक डॉगी की तरह चाटने लगते हैं। जब डॉगी की तरह चाटने लगते हैं, दानियल जो होता है अपने गॉड को प्रेस देता है, कहता है गॉड थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पर भी सेफ रखा। जैसे उसका पनिशमेंट का टाइम कंप्लीट होता है, राजा देखने जाता है कि अब तो दानियल की केवल और केवल यहाँ पर हड्डियाँ मिलेंगी। लेकिन जब वो उसके अंदर जाता है, दानियल जो होता है वो जीवित वहाँ पर होता है। तो राजा जो होता है इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मेरा जिस पद में मैंने दानियल को रखा था वाकई में वो इस पद के लायक था। तो जिनने दानियल के बारे में शिकायत करी होती है उनको वो उस जगह में डाल देता और भूखे शेर कुछ टाइम भी नहीं होता है कि उनकी हड्डी से हड्डी तक को खा जाता है। सो फ्रेंड्स, वो करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। मैं आपको उस स्टोरी से यही इनकरेज करूँगी कि आप हमेशा जिस भी पद पर हैं, जिस भी चीज में हैं, अपने काम को हमेशा से ईमानदारी से करें और अपने गॉड को भी टाइम दें। क्योंकि हम देखते हैं इंसान आज इस दुनिया में, इस भागती दुनिया में गॉड को टाइम नहीं दे पाता, तो इसीलिए आप गॉड को भी